Chai. My. अरे बहुत सारा सामान हो गया, दो मीडियम ट्रॉली, दो स्मॉल ट्रॉली, ये काला बैग, ये लैपटॉप बैग और दो लैपटॉप बैग उधर भी हैं। इतना सारा सामान देख के आप यही सोच रहे हैं कि हम लोग जा कहाँ रहे हैं एक्चुअली में। तो भाई आज तारीख है 30 तारीख है ना आज, 30 सितंबर। हाँ तो भाई आज तारीख है 30 सितंबर और आज हम लोग निकल रहे हैं बोकारो के लिए। तो बोकारो के लिए आइडियली तो हम लोग 14 का टिकट था हमारा, 14 सितंबर का, अक्टूबर का टिकट था दुर्गा पूजा के लिए। बट अचानक से प्लान में चेंज हुआ क्योंकि मेरा भाई बीबू जो है वो अपनी गाड़ी से इस बार घर जा रहा है। तो हम लोग सोचे कि साथ ही हो लेते हैं, एकदम बढ़िया से मजा आएगा, चारों जन जाएंगे हम, श्वेता, जूही और बीबू। तो भाई इसी हिसाब से दो दिन पहले जस्ट प्लान बना, अभी तो हमें कोई पता भी नहीं है कि हम लोग निकलने वाले हैं। तो अभी टाइम हो गया सुबह के 5:30, मोस्टली मेरे को लगता है 15 मिनट में हम लोग यहाँ से निकल लेंगे घर से। हम लोग बागोली कल दोपहर में ही आ गए थे, फ्राइडे को ही आ गए थे। तो 15 मिनट में निकलते हैं फिर गाड़ी में मिलते हैं, सामान दिखाते हैं कितना सारा है और कैसे सेट करने वाले हम लोग। तो भाई सामान हमारे पास बहुत सारा है और डिक्की के जो स्पेस है काफ़ी है, लेकिन हम लोगों ने क्या किया कि हम लोगों ने जिसका नीचे का जो ट्रे होता है, जो कवर होता है, जैसे कि ये है, वो हम लोगों ने निकाल दिया है। तो काफ़ी 3-4 इंच का जो डेप्थ है वो बढ़ गया है, जिसकी वजह से सामान प्रॉपरली अट जाएगा सारा सामान। तो अभी आपको दिखाते हैं बढ़िया से MG Aster में कैसे आप एकदम मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर सकते हैं डिक्की के स्पेस का। तो भाई ये है फाइनल हम लोगों का एडजस्टमेंट। यहाँ पे हम लोगों ने दो मीडियम ट्रॉली हटाया है, यहाँ पे बहुत बड़ा सा छोरा है, दो स्मॉल ट्रॉली, यहाँ पे एक लैपटॉप बैग, यहाँ पे एक ब्लैक बैग आएगा हम लोगों का जो कि थोड़ा मोटा है, बट कपड़े का है तो वो थोड़ा सा दब जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। ये ट्रे को हम लोग ऊपर रख देंगे। सामान वामान सब सेट हो गया बढ़िया से और पैसेंजर्स भी हम सारे सेट हो गए। हम दोनों आगे बैठे हैं, बीबू और दोनों मैडम लोग पीछे बैठी है। तो भाई एक बार बोल दो दुर्गे महारानी की जय, गणपति बप्पा मोरिया। चलो भाई लेट्स स्टार्ट द जर्नी। 2000 किलोमीटर का ऑलमोस्ट ड्राइव होने वाला है ये। थोड़ा फॉग वॉग जम गया भाई, साफ करो। तो भाई हम लोगों ने पहला फ्यूल अप कर लिया अराउंड 2300 रुपीस का, पहले से गाड़ी में काफी पेट्रोल था इसलिए हम लोग फुल टैंक 2300 में हो गया है। तो अभी रेंज कितना बता रहे बीबू, 50 कर दिया क्या? 474 का रेंज फिलहाल बता रहा है, आई थिंक थोड़ा बढ़ेगा वो जैसे जैसे माइलेज बढ़ेगा। तो लेट्स सी, अभी बागोली में ही हम लोग, निकलने में थोड़ा टाइम है अभी। भाई एक छोटा सा बायो ब्रेक लिया गया है जो हमारे ड्राइवर हैं उनको ज़रूरत आ गई थी अचानक से। तो अभी हम लोग निकल के ऑलमोस्ट 1 घंटा 10 मिनट हो चुका है और हम लोग अभी अहमदनगर से अराउंड 25 किलोमीटर पहले हैं। तो मैं बोलता आधा घंटे में अहमदनगर पहुँच जाएगा अराउंड 40 मिनट में, और औरंगाबाद पहुँचने का टाइम बता रहा है अराउंड 10 बजे। तो देखते हैं, रास्ता उतना अच्छा नहीं है, रास्ता पतला भी है और प्लस ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, तो आई डोंट नो औरंगाबाद कितने बजे पहुँचेंगे, देखते हैं। तो भाई धूप तो निकलने का कोई नाम नहीं ले रहा है। तो अभी टाइम कितना हो गया है, टाइम हो गया 8:30 और हम लोग अगले 2.25 घंटे में हम लोग औरंगाबाद पहुँच जाएंगे। हम लोग एक और ऑल्टरनेट रूट भी ले सकते थे शिरडी वाला, तो हम लोग को समृद्धि एक्सप्रेस में थोड़ा जल्दी मिल जाता, बट वी वर नॉट वेरी श्योर अबाउट दैट रूट कि वो कितना सही है नहीं है, क्योंकि ऐसा ये बीबू बोल रहा है कि वो जो रास्ता है थोड़ा सा रास्ता मतलब रोड अच्छा नहीं है क्वालिटी। तो बाकी अभी हम लोग को बहुत बढ़िया रोड मिल गया औरंगाबाद के लिए। तो हालांकि 4 लेन ही हाईवे है ये, लेकिन गड्ढा गुड्ढी थोड़ा कम है, शहर से बाहर निकल गए हम लोग। हो गया टाइम 9:45 और हम लोग अभी ऑलमोस्ट औरंगाबाद पहुंचने वाले हैं। 15-20 मिनट में हम लोग औरंगाबाद पहुंच जाएंगे। तो बेसिकली हम लोग को औरंगाबाद एंटर नहीं करना होगा, औरंगाबाद से थोड़ा पहले ही हम लोग को एक एग्जिट लेना है टुवर्ड्स द बाला साहब ठाकरे समृद्धि एक्सप्रेस मार्ग। दिस इज गोइंग टू बी द फर्स्ट टाइम फॉर ऑल 4 ऑफ अस कि हम लोग समृद्धि महामार्ग जो अभी आज के डेट में इंडिया का सबसे लॉन्गेस्ट एक्सप्रेस वे है उस पर जाने वाले हैं हम लोग। तो वो डिस्टेंस होगा अराउंड कितना किलोमीटर का है, नागपुर से यहाँ का 465 किलोमीटर के आसपास का डिस्टेंस है। एंड जो हम लोगों ने यूट्यूब पे वीडियोस देखे हैं, बाकी लोगों से पूछा है, तो इट शुड टेक नॉट मोर देन 4.5-5 आवर्स। मैम दिस इज मतलब ये बहुत ही अनबिलीवेबल जैसा लग रहा है, क्योंकि हम जो रूट से गए हैं पहले बहुत समय लेता है वो, मतलब वो रूट बहुत ज़्यादा समय लेता था। और ये समुद्री एक्सप्रेस एक तो नया बना है, उतना भीड़ भी नहीं है। तो देखते हैं 450 किलोमीटर के लिए कितना टाइम लगता है हम लोगों को। तो मतलब विल ट्राई टू कवर इट बाई लाइक 5-5.5 आवर्स और वहाँ से फिर देन विल है टुवर्ड्स ड्राइव। भाई औरंगाबाद हम लोग एंटर कर चुके हैं और एंटर करने के साथ साथ तुरंत एग्जिट मारने वाले हैं हम लोग टुवर्ड्स समृद्धि एक्सप्रेस वे।
लेकिन नाश्ता के लिए कोई अच्छा जगह मिल नहीं रहा हम लोग को, पता नहीं क्या होगा। ऐसे तो गाड़ी वालों के पास इनफ खाना है, बट नाश्ता तो चाहिए। नाश्ता तो चाहिए, सही बात है, गाड़ी में खाना है लेकिन नाश्ता तो चाहिए प्रॉपर। एक बार थोड़ा सा पेट रिफिल हो जाएगा ना और गाड़ी रिफिल हो जाएगा, उसके अंदर जनाते हुए सीधा हम लोग नागपुर ठेगा देंगे, साउजी खाएंगे वहाँ पे। फाइनली नाश्ता ब्रेक के लिए रुक गए हम लोग। इस होटल का नाम है द्वारकाधीश, द्वारकाधीश का है और प्योर वेज रेस्टोरेंट है। तो नाश्ता पानी हम लोग यहाँ पे पोहा और पूड़ी भाजी करने वाले हैं और डेफिनेटली चाय तो पियेंगे ही, क्योंकि यहाँ के बाद सीधे हम लोग समृद्धि एक्सप्रेस पे जुड़ने वाले हैं और वो जुड़ने के बाद पता नहीं, हम लोग को आइडिया नहीं कि कहाँ पे क्या मिलेगा नहीं मिलेगा। नाश्ता करते हैं क्योंकि फ्यूल टॉप अप तो हो गया, हम लोग को फुल से फुल टैंक करा लिए और नाश्ता करके फिर निकलेंगे। तो भाई नाश्ता पानी तो हो गया, थोड़ा महंगा नाश्ता हुआ हम लोग का, बहुत ही लाविश पोहा खाया हम लोग 70 रुपया प्लेट। तो भाई अब कमान हम अपने हाथ में इसलिए लिए हैं क्योंकि अब समृद्धि एक्सप्रेस पे आने वाला है, तब वैभव रंजन पीछे चला गया है रेस्ट करने के लिए, रेस्ट करने के लिए या फिर दूसरों को मौका देने के लिए। अब ये मौका मेरे हाथ में आ चुका है। तो भाई अब फाइनली हम लोग ये रास्ता छोड़ के अब हम लोग जुड़ रहे हैं समृद्धि एक्सप्रेस वे, एकदम सीमेंटेड मक्खन दाल पूरा रोड है, एकदम बढ़िया मजा आने वाला है। अब यहाँ पे आई थिंक एक और टोल कटेगा ना, कट चुका है क्या, कितना कटा नहीं नहीं अभी देखो टोल आया। ओ भाई साहब एकदम उजला रोड है यार। भाई साहब इतना वाइट रोड है ना कि इसका पूरा रिफ्लेक्शन में समझ में नहीं आ रहा है कि कितना लंबा रोड है ये, बहुत ही ज़्यादा स्मूथ, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया, मतलब 120 पे तो आप आराम से चल सकते हो और आपको पता भी नहीं चलेगा कि 120 पे चल रहे हैं एक्चुअली देखा जाए तो। और स्ट्रेट रोड है, कुछ टर्न नहीं कुछ भी नहीं है, तो थोड़ा बोरिंग तो हो जाएगा कुछ देर बाद, तो जो पीछे बैठा है वो वापस आ जाएगा आगे। फिलहाल तो मज़ा आ रहा है हमको, काफ़ी टाइम बाद ऐसा खुला रोड मिला है और ऊपर से प्रीमियम कार भी है हमारे पास। भाई हम लोगों ने अभी अकोला का एग्जिट लिया है क्योंकि वॉशरूम तो कहीं मिल ही नहीं रहा था हम लोग को रास्ते में, 200 किलोमीटर से ऊपर हो गया था और सबको एकदम जाना ज़रूरी था, इसलिए हम लोग अकोला का एग्जिट लिया है यहाँ पे। और हम लोग सोच रहे हैं कि थोड़ा सिटी में घुस के कुछ खा पी भी लेते हैं हल्का फुल्का और पेट्रोल भी टॉप अप कर लेंगे एंड देन वी लीव, लाइक 10-15 मिनट्स में हम लोग निकल जाएंगे। हाईवे तो बहुत बढ़िया है, मक्खन हाईवे, एकदम मज़ा आ रहा है चलाने में, लेकिन द ओनली प्रॉब्लम राइट नाउ इज़ There are no washrooms on the way, मतलब होंगे भी तो पता नहीं, शायद लोग मिस कर दिए होंगे, और बाकी फ्यूल पम्प भी बहुत कम है। भाई इतना प्लेन सिंपल, एकदम सीधा सीधा रोड है यार, कहीं एक टर्न नहीं मिला हम लोग को पिछले 450 किलोमीटर में। एक टाइम के बाद तो आप बोर हो ही जाएगा, इसलिए वापस कमान हम अपने ऊपर ले लिए हैं और इसको साइड में बैठा दिए हैं, साइड में बैठो थोड़ा देर, क्योंकि 150 किलोमीटर बचा हुआ था नागपुर तक, और नागपुर तक ही ये समृद्धि महामार्ग है, उसके बाद से नॉर्मल, उसके बाद भी रोड अच्छा है रायपुर के बाद भी, और मतलब बाकी का जो रूट है 400-500 किलोमीटर बच जाएगा, 700 किलोमीटर उसका भी रूट काफ़ी अच्छा है, लेकिन इस रोड का मज़ा तो अलग ही है। तो अभी तक तो बहुत ज़्यादा टोल नहीं कटा है, एक्चुअली मैसेज भी नहीं आया हम लोगों को टोल कटने का, और भाई सही में एक भी वॉशरूम ब्रेक के लिए कुछ भी सुविधा नहीं है यहाँ पे हाईवे पे, कोई भी कैफेटेरिया कैंटीन कुछ नहीं बना है। पेट्रोल पंप तो शायद एक दिखा था हम लोग, राइट, पेट्रोल पंप दिखा था ना। चलो एनीवेज अभी कंटिन्यू करते हैं और नागपुर पहुंचते हैं और फिर लंच करेंगे वहाँ पे, ऑलरेडी 3 बज गया है और नागपुर पहुंचते हैं तो और 1 घंटा लगेगा। भाई जब भी कोई सिटी क्रॉस करते हैं हम लोग तो बहुत सारा स्ट्रीट लाइट्स लगाया हुआ है, आई एम श्योर रात को एकदम पूरा जगमगा जाता होगा, लिट अप हो जाता होगा,
बड़ा अच्छी बात है कि कोई सिटी क्रॉस कर रहे हैं तो बहुत सारे मतलब ये क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं ये लाइट है, है? अरे ये लाइट स्ट्रीट लाइट्स, देखो पेट्रोल पंप है, पेट्रोल भराना है क्या जी? ना फाइनली एक पेट्रोल पंप दिखा हम लोगों को भाई, देख लो ये पेट्रोल पंप, और इसके साथ कुछ खान पान का भी है क्या, छोटा मोटा टपरी है वहाँ पे भाई, कुछ तो दिखा 350 किलोमीटर की दूरी में, कुछ तो दिखा हम लोगों को। ये जो ऊपर ब्रिज दिख रहा है आप लोगों को, वो ब्रिज एक्चुअली बोला गया है कि जानवरों को क्रॉस करने के लिए, क्योंकि ये पूरा जो रोड है ना, ये पूरा हाईवे एक्सप्रेस वे जो बना है वो पूरा मतलब फॉरेस्ट से घिरा हुआ है दोनों बगल से, मतलब दोनों बगल में कोई भी गांव खेड़ा कुछ भी नहीं है, पूरा पेड़ पौधा है रास्ता भर। और ये जो ब्रिज दिख रहा है ये बोला तो गया है जानवरों को क्रॉस करने के लिए, बट ऐसा इसका कहना है कि जानवर को कैसे पता चले कि वो ब्रिज मेरे लिए, उसके उन लोगों के लिए बना हुआ है, इंसान थोड़ी है, क्या बोलते हो? सही बात है, वो तो इंसान बन जाएगा फिर भाई। ये एक बहुत बड़ा टोल आया है अभी, मेरे को लग रहा है यहाँ से ये एक्सप्रेस वे खत्म तो नहीं हो जाएगा ना, बाला साहब ठाकरे महा समृद्धि मार्ग, मेरे को लग रहा है यहाँ से एक्सप्रेस वे थोड़ा देर में खत्म हो जाएगा, ये आई थिंक इट्स द फाइनल टोल। काफी अच्छा जर्नी रहा हम लोगों का, देखते हैं कितना टोल कटता है फाइनली, अब एंड हो गया। चलो भाई वेलकम हो गया है, कहाँ वेलकम कर रहे भैया, देखते हैं कितना टोल कटेगा यहाँ पे। जैसे ही ये टोल खत्म हुआ यहाँ पे लेफ्ट साइड में पेट्रोल पंप भी दिख गया है और खाने पीने का भी दिख गया, क्या खाने पीने का तो नहीं है अभी फिलहाल, देखते हैं। भाई ये पेट्रोल पंप पे रुके हैं हम लोग अभी थोड़ा सा बायो ब्रेक के लिए, बड़ा सा पेट्रोल पंप है, इधर भी है, इधर भी है, और इधर ये औरत है। काफी खुला खुला स्पेस है यहाँ। हाँ काफी खुला खुला स्पेस है भाई, बीच वो बीच एकदम बड़ा सा सर्कल आया अभी जैसे ही हम लोग हाईवे एग्जिट किए। इट्स एक्चुअली अ वेरी ब्यूटीफुल गार्डन, काफी अच्छे फूल वूल लगे हुए यार यहाँ पे, तो अच्छा लग रहा है। हाँ एक्चुअली इट रिमाइंड मी ऑफ बैंगलोर एयरपोर्ट, बैंगलोर एयरपोर्ट भी ऐसे ही कुछ है बड़ा सा, तो बेसिकली ये मेरे को लगता है कि ये नागपुर के चारों ओर ये निकलता होगा, ये रोड एक एग्जिट दो एग्जिट तीन एग्जिट और चार एग्जिट है। भाई ये नागपुर वर्धा हाईवे पे ये हॉस्पिटल है, कितना बढ़िया लग रहा है देख के, एकदम शिप के शेप में है ये, तो ये नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट है बाय द वे, सही लग रहा है ये। आई नेवर न्यू कि नागपुर में इतना बड़ा कैंसर का हॉस्पिटल भी है, पता लग गया। हाँ तो फिलहाल हम लोग अभी रेस्टोरेंट का तलाश कर रहे हैं क्योंकि हम लोग सबको भूख लग चुका है और समय हो गया है 4 बजे हैं, बस अब देखते हैं कुछ खाना वाना मिल जाए तो खाना खा लिया जाएगा। अरे भैया ऑटो, भाई वो जो दूर में दिख रहा है आप लोगों को, एक मिनट होल्ड, हाँ ये जो दूर में दिख रहा है वहाँ पे, दैट वन दैट्स द नागपुर क्रिकेट स्टेडियम, तो यहाँ से दिख रहा है हम लोगों को। आई होप क्रिकेट स्टेडियम ही है ना वो, फुटबॉल स्टेडियम भी हो सकता है, बट जो भी है काफी एक्सटीरियर में है यार नागपुर में क्रिकेट स्टेडियम, तो हालांकि इस साइड सिटी शुरू हो चुका है नागपुर का, जैसे कि हम लोग पुणे में नवी पुणे और मतलब न्यू पुणे ये सब है ना पिंपरी चिंचवड़, आई थिंक नागपुर का भी ऐसे ही कुछ होगा यहाँ पे। फाइनली हम लोग रेस्टोरेंट तो मिल गया कल्याणम नाम से, और हम लोग पार्क कर दिए क्योंकि सबको बहुत भूख लग गया था, तो जी यहीं पे खाना खाते हैं, और बारिश आ गया एकदम तेजी, भयंकर तेज में बारिश आ गई है। चलो भाई एकदम नॉन स्टॉप बारिश हो रहा है, पिछले एक घंटे से ऑलमोस्ट 1.5 घंटे से नॉन स्टॉप बारिश हो रहा है, बीच में थोड़ा रुका था और बहुत ज़्यादा ट्रैफिक भी मिल गया हम लोगों को। अरे बाप रे, फाइनली हम लोगों को मिला एक पेट्रोल पंप बीपी का, जिसमें हम लोग वॉशरूम यूज़ करने आए हैं। ये जो रास्ता इतना ज़्यादा ख़राब था ना कि हालत ही ख़राब हो गई हम लोगों का, एकदम भयंकर एकदम बेकार रास्ता एकदम बेकार भाई, अभी इस रूट में कोई ट्रैवल मत करना है, नागपुर से रायपुर की रूट में झिला जाओगे एकदम लिटरली। भाई हम लोग डिनर ब्रेक के लिए रुके हैं अभी, एक बढ़िया सा ढाबा मिला हम लोग को, जलसा ढाबा बोल के,
काफ़ी अच्छा क्राउड वाउड भी बहुत बढ़िया है यहाँ पे, तो हम लोगों ने खाना ऑर्डर कर दिया वेज फ्राइड राइस, सिंपल खाना एकदम बढ़िया खाते हैं और फिर होटल में चेक इन करते हैं सीधे जाके। अभी 10:30 टाइम हो रहा है एंड मेरे को तो यहाँ से 1/2 घंटा दूर हम लोग का होटल है। और भाई फाइनली हम लोग पहुँच गए हैं भिलाई और होटल जा रहे हैं। अभी होटल पहुँचने में कितना मिनट, 5-6 मिनट बचा हुआ है, 3 किलोमीटर है। तो ये जो शहर है भिलाई जो है एकदम बोकारो वाला फीलिंग देता है हम लोगों को, मतलब हमको पर्सनली बिकॉज आई थिंक फर्स्ट टाइम आ रहा है भिलाई, फर्स्ट टाइम ही आ रहा है एकदम, वीज कमिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, लेकिन हम तीसरी बार आ रहे हैं तो सही है। जाते हैं बस होटल में चेक इन करते हैं और विल बी जस्ट ऑफ टू स्लीप। आई डोंट थिंक आई एंड द व्लॉग हियर, आई मे बी कंटिन्यू दिस व्लॉग टुमारो एज वेल, थोड़ा लंबा बनेगा, एंजॉय करना। और आज गाइस हम होटल में चेक इन कर चुके हैं, नॉर्मल सा होटल है, बस 6 घंटा बिताना है हम लोगों को एंड देन वी लीव अर्ली इन द मॉर्निंग एट 6 AM। सो आई थिंक आई जस्ट एंड द व्लॉग हियर, क्योंकि आई थिंक अगर 2 दिन का व्लॉग हम कंबाइन करेंगे तो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो थैंक यू सो मच और वॉचिंग माई व्लॉग टिल द एंड। इन केस आप लोगों को ये व्लॉग पसंद आया होगा तो प्लीज़ डू हिट द लाइक बटन, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो पुराने वीडियो जाके चेकआउट करिएगा और पसंद आए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। मिलते हैं बहुत जल्द अगले व्लॉग में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, पीस।